हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और आज है जी 9th of June 2021। इट्स मी बुशरा खान, वेलकम टू क्यूसीएल मोस्ट प्रीशियस करंट अफेयर्स के साथ, आपकी दोस्त आपके लिए आपके बीच। और मेरे इस मोस्ट प्रीशियस गारंटेड कंटेंट से बेनिफिट उठाने के लिए आपको करना ये है कि हर वीडियो को ध्यान से सुनना है और नए लोग सब्सक्राइब कर लें ताकि इसका फ़ायदा ले सकें और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व महासागरीय दिवस यानी इंग्लिश में कहेंगे वर्ल्ड ओशन डे कब सेलिब्रेट किया गया है। तो वी ऑब्जर्व वर्ल्ड ओशन डे ऑन 8th of June, यानी कि वी सेलिब्रेटेड दिस डे। कौन सा डे? वर्ल्ड ओशन डे। तो क्या बोलते हैं इंग्लिश में, वी ऑब्जर्व ऑन एज अ वर्ल्ड ओशन डे ऑन 8th June 2021। और ये हर साल 8 जून को ही जो है क्या सेलिब्रेट किया जाता है। अंग्रेज़ी में इसे कहने का बहुत अच्छा तरीका है। अब वरना ऐसे भी कह सकते हैं वी हैव सेलिब्रेटेड, तो मैं आपको कोई ग्रामर या लैंग्वेज तो पढ़ा नहीं रही हूँ, बस बता देती हूँ फिर भी बस ट्रांसलेशन करके, तो है ना, वो तो दूसरे सब्जेक्ट में बात करेंगे जब ग्रामर या लैंग्वेज पढ़ाएंगे। तो खैर, जो हमारे समुद्र हमारे लिए महत्व रखते हैं उनके महत्व के प्रति जागरूक होने, जागरूक करने और जो सुरक्षा के तरीके हैं उनको अपनाने और उनके प्रति जागरूकता को पैदा करने के लिए, अवेयरनेस डेवलप करने के लिए वर्ल्ड ओशन डे 8th of June को मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। 8461 मेगाहर्ट्ज़, आपको मेगा हर्ट्स बता रहा है कितने पे रिकॉर्डिंग हो रही है। क्वेश्चन है जी, हाल ही में किसे अभी 76वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा परिषद यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का अध्यक्ष चुना गया है। तो अब्दुल्ला शाहिद ये मालदीव के प्राइम मिनिस्टर हैं। किसके प्राइम मिनिस्टर हैं? मालदीव के। और इन्हीं को अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 76 नंबर की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, कौन से नंबर की 76, इसका अध्यक्ष यानी कि प्रेसिडेंट चुन लिया गया है। अब देखिए, क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी स्कूली शिक्षा में 2019-20 का परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स जारी हुआ है, इसमें टॉप पर कौन सा स्टेट है? तो शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो है पंजाब। 2019-20 का है ये स्कूली शिक्षा में, यानी इन स्कूल एजुकेशन, स्कूली शिक्षा में क्या है परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, तो ये 2019-20 का है, पहले बता दिया। इसमें टॉप पर पूछा जा रहा है कौन सा राज्य है, पूछा जाएगा तो आप बताएंगे पंजाब। जी हाँ, पंजाब पहले नंबर पे है। यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ यूटी है, किसी के भी हिस्से में नहीं आता है। कहने को कैपिटल है हरियाणा पंजाब की, लेकिन केंद्र शासित प्रदेश। तो दूसरे पे चंडीगढ़, तीसरे पे तमिलनाडु। तो पंजाब, चंडीगढ़, तमिलनाडु, ये तीनों स्कूली शिक्षा परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स यानी क्या कहेंगे, इन एजुकेशन स्कूल परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स, तो वही है जो कि बस स्कूली शिक्षा हिंदी में कह दिया है मैंने। इसमें तीनों ये नंबर वाइज पंजाब, चंडीगढ़ और तमिलनाडु। और पंजाब अगर टॉप पे है तो कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, बसेरा योजना और एक आपको बताए थे आशीर्वाद योजना। आशीर्वाद का नाम पहले शगुन था, अमाउंट भी डिफरेंट था, बताया था है ना। अब क्या है कि 51,000 मिलते हैं ओबीसी एससी और एसटीज को कि जो बे लड़कियां हैं उनकी शादी के लिए। आशीर्वाद और बसेरा झुग्गी झोपड़ियों के लिए सुखजीत मेगा फूड पार्क बन रहा है कपूरथला में। पटियाला में महाराणा क्या नाम बताया मैंने महाराज सॉरी हाँ कौन सा यूनिवर्सिटी बन रही है, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है, कौन सी, महाराजा रणजीत सी, एक मिनट
मैंने आपको बहुत बार बताया इनका नाम, ठीक है। तो खैर याद रखिए और मुझे बताइए महाराजा रणजीत सिंह है या मैंने किसी और के नाम पे बताया है। तो खैर कोई बात नहीं, हमेशा बताती हूँ। तो खैर स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है पंजाब की पहली, कहाँ? पटियाला में। अच्छा पंजाब में बता दिए, हाँ मेगा फूड पार्क, एक तो डी जी नेक्स्ट और एक वी आर इनसाइड, ये दो एप्लीकेशन लॉन्च किए गए थे। पंजाब में एक नया ज़िला बना है अभी, 23वां ज़िला कौन सा बना है उसका नाम है मलार कोटला, और अभी तमिलनाडु का भी एक बना था, कौन सा? मायिलादुथुरई, बताया था ना आपको, ठीक है। पंजाब की बात करें तो बीपी सिंह बदनौर गवर्नर हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है। और मेरे पास इंटरनेट नहीं है, इसी पर दिमाग लगा हुआ है कि बस आपको कैसे भी करके पूरा हो जाए। चंडीगढ़ तो बताया आपको कैपिटल है, सब चीज़ें आपको बताई हैं, ठीक है। तो ये बातें हैं। महाराजा भूपेंद्र सिंह है वैसे, वो बता दूँ आपको, मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि आपको याद रहता है या नहीं, तो याद रखा करें महाराजा रणजीत सिंह नहीं है, ठीक है, रणजीत सिंह गुरु हैं। तो महाराजा भूपेंद्र सिंह यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में, ओके याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भी इक्वल देखिए, इक्वल एक्शन टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एक्शन टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट ईगल, ये कानून अभी किसने पेश किया है या प्रेजेंट किया है? तो अपने यहाँ अपनी पार्लियामेंट में पेश किया है ये कानून अमेरिका ने। ये इसकी फुल फॉर्म याद रखिएगा ईगल, क्या है ईगल? तो क्या है इक्वल एक्सेस है, माफ़ कीजिएगा एक्शन बोल दिया था, एक्सेस है, इक्वल एक्सेस एक्शन, वो ध्यान ज़्यादा रहता है ना उड़ीसा का पढ़ाते पढ़ाते तो, और सारी चीज़ों में तो इक्वल एक्सेस है, यहाँ एक्शन की जगह एक्सेस कर लीजिएगा, ए से एक्सेस। तो इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट, क्या है ईगल की फुल फॉर्म? ईगल की फुल फॉर्म दोबारा सुनिए, बार बार नहीं, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट, इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट। ये ईगल जो है ये क्या है, ये देखिए हर देश के लिए एक रेशियो बना होता है कितने ग्रीन कार्ड्स इस कंट्री को पास किए जाएंगे। ग्रीन कार्ड क्यों चाहिए होता है अमेरिका में? परमानेंट रहने के लिए, ट्रेड करने के लिए। तो ये जो है लंबे समय तक ट्रेड करना है तो, वरना तो वीज़ा पे ही जाते हैं, अगर परमानेंट वहीं रह के सेटल होकर ट्रेड करना है या वहाँ रहना है तो ग्रीन कार्ड चाहिए। तो वहाँ पे एक रेशियो बना हुआ है कि अमेरिका में कि इस तरह से ग्रीन कार्ड इतने साल जो है इस देश के, इतने इस देश के, और सबसे ज़्यादा जो ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं उसमें सबसे बड़ी क्वान्टिटी जो है वो किसकी है? तो वो इंडियंस की है, सबसे ज़्यादा इंडियंस ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। अब ये जो इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लॉ एम्प्लॉयमेंट ईगल कानून आ रहा है, अमेरिका जो पेश कर रहा है, इससे क्या होगा? ये रेशियो ख़त्म हो जाएगा, कोई बाधा नहीं रहेगी, मतलब जितने चाहें उतने लोग ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जबकि सबसे ज़्यादा इंडियन करते हैं तो सबसे ज़्यादा ग्रीन कार्ड्स किसको मिलेंगे? इंडियंस को, है ना, इंडियंस को मिलेंगे ना। तो ये इसका फ़ायदा है बहुत बड़ा, तो ये बात याद रखिएगा। अमेरिका की अभी अमेरिकी सेना की पहली महिला सचिव कौन बनी थी? आपको मैंने कई बार बताया है, क्रिस्टीन बरमूत, ठीक है, क्रिस्टीन बरमूत। और अमेरिका के ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ दिया अमेरिका ने, और अमेरिका ने जो है कल ही बताया था कि 28 कंपनियों को चाइना की बैन कर दिया है, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों पर भी बैन लगा दिया है, और राष्ट्रीय स्मारक सुरक्षा बिल भी पास किया है जिसमें सज़ा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है अगर कोई किसी स्मारक को क्षति पहुंचाता है तो, ठीक है। कौन कौन सी इंडिया और अमेरिका के बीच एक्सरसाइजेस होती हैं? तो होती हैं कौन कौन सी, कोप इंडिया,
वज्रप्रहार युद्ध अभ्यास, जिसमें से दो अभी हुई थी वज्रप्रहार, हिमाचल प्रदेश में युद्ध अभ्यास हुई थी बीकानेर राजस्थान में, और पासेक्स लास्ट ईयर हुई थी इंडियन ओशन रीजन में, और एक होती है कोप इंडिया। कौन है प्रेसिडेंट? डोनाल्ड ट्रंप पूर्व प्रेसिडेंट है, कल बताया था। ये पुरानी न्यूज़ विकास, ये आपके लिए आपने पढ़ लिया होगा 2-3 दिन पहले, ठीक है। अदरवाइज़ हमारे यहाँ हर चीज़ न्यू और लेटेस्ट होती है, ठीक है। तो ये आपने दो या तीन दिन पहले की न्यूज़ है ये, तो मैंने इसको कंटेंट में कल डाला है, परसों के कंटेंट में इसको डाले ही नहीं था, तो ठीक है। तो बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अभी की बात है। आप सोच रहे हो कि कोई पुरानी बात होगी, वो पुराना किसी और चीज़ का पड़ा होगा, ये अभी 2 या 3 दिन की न्यूज़ है, रीसेंट न्यूज़ कि अभी 2 साल के लिए सस्पेंड किया है पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया अकाउंट फेसबुक ने, ठीक है, याद रखना 2 साल के लिए सस्पेंड किया है अभी। तो ये परसों कंटेंट में डालने वाली थी मैं, लेकिन मैंने कल डाली ये न्यूज़। तो खैर, तो अभी कौन है प्रेसिडेंट? जो बाइडन, प्रॉमिस मी डैट, प्रॉमिस टू कीप, ये दोनों बुक्स लिखी हुई हैं उन्होंने। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस, स्मार्ट ऑन क्राइम, ये इसका एक और नाम है क्राइम ऑन अलर्ट, और एक और नाम है, दूसरी बुक का नाम है ट्रुथ बी होल्ड, और तीसरी का नाम है जी स्मार्ट ऑन क्राइम ट्रुथ बी होल्ड, तीसरी का नाम है सुपर हीरोज़ आर एवरीवेयर। तो इसके बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखिए कि ये आपकी बहुत अच्छी और बहुत ही, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत ही कम ऐसे चैनल होंगे जो इतना अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से गारंटेड कंटेंट है, उसमें से एक मैं हूँ। बस मैं और कुछ नहीं कहूँगी, इसकी वैल्यू आपको बहुत ज़्यादा समझनी है और बहुत ही ध्यान से हर वीडियो को सुनना है। और मेरी मेहनत जो इतनी ज़्यादा आपके लिए, उसको अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर करें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस देश की सरकार ने अभी लिनेट होम नामक कृत्रिम द्वीप बनाने की योजना को मंजूरी दी है? तो डेनमार्क। देखिए क्या है लिनेट होम, ये एक जो है यहाँ पे लोगों के रहने की जगह थी, ठीक है। ये समुद्री, मतलब एक तरह का आइलैंड है, टापू है, और ये डूब रहा है। जैसे कि आपने जकार्ता के बारे में सुना है ना, ऐसे ये भी डूब रहा है लिनेट होम। तो ये डूब रहा है तो लोग खतरे में हैं, 35,000 लोगों के रहने की जगह है लिनेट होम। अब इसके पर लोग बसे रहें, आबाद रहें, इसलिए कृत्रिम द्वीप यानी आर्टिफिशियल आइलैंड बनाने की योजना को मंजूरी दे दी है डेनमार्क की गवर्नमेंट ने। मैट फ्रेडरिक्सन प्रेसिडेंट हैं, कोपनहेगन कैपिटल है, और डेनिश क्रूना ये है करेंसी। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुन लीजिए, हाल ही में अभी टाइम्स द्वारा जारी किए गए मोस्ट डिज़ायरेबल इंडेक्स लिस्ट में मोस्ट डिज़ायरेबल मैन कौन है? तो टाइम्स द्वारा जारी की गई रिपोर्ट लिस्ट या फिर इंडेक्स कह सकते हैं, इंडेक्स में मोस्ट डिज़ायरेबल मैन कौन है? तो मोस्ट डिज़ायरेबल मैन इंडेक्स में देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत है नंबर 1 पे, और टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन इंडेक्स में अगर देखें तो रिया चक्रवर्ती नंबर 1 पे हैं। रिया चक्रवर्ती विमेन इंडेक्स यानी मोस्ट डिज़ायरेबल विमेन इंडेक्स में नंबर 1 पे हैं, और सुशांत सिंह राजपूत ये मोस्ट डिज़ायरेबल टाइम्स मोस्ट डिज़ायरेबल मैन इंडेक्स में नंबर 1 पे हैं, और ये अभी का इंडेक्स है, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में रायमोना किस राज्य का 6ठा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है यानी नेशनल पार्क? रायमोना के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है, बहुत बार, और ये क्वेश्चन मैंने आपको आज से 6 महीने पहले ही बता दिया था कि रायमोना अब नेशनल पार्क बन जाएगा। तो असम का न्यू नेशनल पार्क डेवलप हो गया है रायमोना। देखिए वहाँ 5 तो पहले से ही थे, ये 6ठा नेशनल पार्क बना है, 6th क्या बना है नेशनल पार्क बना है रायमोना। आप देखिए कौन कौन से थे, मानस, काजीरंगा, शिकोवा,
डिब्रू, ओरन और ये छठा कौन सा बन गया, रायमोना। तो ये याद रखिएगा, माना साथियों के लिए बहुत फेमस है, काजीरंगा एक सिंह वाले गेंडे के लिए बहुत फेमस है, और ये जो है यहाँ पर भारत का पहला एकमात्र गोल्डन बाघ यहीं पे देखा गया। अच्छा ये तो हो गई इसकी बात, और पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसको वाइल्ड लाइफ उसको नेशनल पार्क में, हाँ ठीक है पोवा रिजर्व फॉरेस्ट है तो उसको तो डेवलप किया जा रहा है, यानी अपग्रेड किया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड किया जा रहा है, और जो देहिंग पटकाइन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसको नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है, याद रखना है उसको भी नेशनल पार्क में अपग्रेड किया जा रहा है। डींग एक्सप्रेस के नाम से जाने जाने वाली हेमादास, हाँ ये डींग ज़िले की पहली DSP भी हैं। झुमुर, जिसको झुमुर भी कहते हैं या झुमरू कहिए, झुमरू, भूराल, बागरुम्बा और बीहू, ये चार नृत्य यानी डांस हैं असम के जो बहुत फेमस हैं। ठीक है, पहला नॉर्थ ईस्ट काउ हॉस्पिटल कहाँ बना, तो वो बना डिब्रूगढ़ में, याद रखना। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं असम की जो मैंने आपको बताई, योजनाएं और बता देती हूँ, एक है पर्यटन संजीवनी और भाषा गौरव, प्रज्ञान भारती, ब्रह्मण सारथी, कौन सी ब्रह्मण सारथी सारथी, धनमंत्री, कितनी हो गई, कौन सी हो गई, एक तो हो गई पर्यटन संजीवनी, एक धनमंत्री, एक हो गई भाषा गौरव, एक हो गई प्रज्ञान भारती, एक हो गई भ्रमण सारथी और छठी कौन सी, धनमंत्री, छह हो गई, छह योजनाएं यह सब में चल रही हैं। दिसपुर कैपिटल है और जगदीश मुखी ये कौन है, ये गवर्नर है, और ये अब कौन है, पहले सर्वानंद सोनोवाल होते थे, अब कौन है, तो कौन है, हेमंत विश्व शर्मा। ठीक है, हेमंत विश्व शर्मा, कुछ भी कह सकते हैं, हेमंत विश्व शर्मा या हेमंता विश्व शर्मा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में जहां वोट वहां वैक्सीन, जहां वोट वहां वैक्सीन, ये अभियान किस राज्य सरकार ने शुरू किया है, तो दिल्ली राज्य सरकार ने। दिल्ली में अगर कैलकुलेशन किया गया है अभी तक जो, तो उस कैलकुलेशन के रीसेंट कैलकुलेशन के हिसाब से 57 लाख पीपल जनरेशन ऐसी है, यानी 57 लाख लोगों की जनसंख्या ऐसी है जो 45 साल से ऊपर की है, अबव ऑफ 45 ईयर्स है, और ये 45 साल से ऊपर की 57 लाख जनसंख्या में केवल अभी तक 27 लाख लोगों का COVID-19 टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन किया गया है। 27 का किया गया है तो बचे कितने, 30 लाख, उन 30 लाख लोगों का भी COVID-19 टीकाकरण करना है, और इसीलिए एक अभियान दिल्ली राज्य सरकार ने शुरू किया है। कौन कहाँ क्या क्या शुरू किया है, दिल्ली में शुरू है क्या अभियान है, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, जहाँ वैक्सीन वहाँ वोट, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीन, बस। ठीक है, और ये 13 फरवरी 1931 को नई दिल्ली ऑफिशियली भारत की राजधानी बन गई थी। अनिल बैजल गवर्नर हैं, अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, क्वेश्चन है जी, हाल ही में 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन क्या है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस राज्य की फिल्म वाटर ब्यूरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश की पर्यावरण संरक्षण पर सबसे बेहतरीन अभी तक फिल्म बनी है, कौन सी, वाटर ब्यूरियल, और इसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है, सर्वश्रेष्ठ टॉप मूवी है ये वाटर ब्यूरियल, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के ऊपर, यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन के ऊपर, तो है ना, तो याद रखना, तो एनवायरमेंट के लिए जो बनी है सबसे बेहतरीन फिल्म कौन सी, वाटर ब्यूरियल, और इसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म में सबसे बेहतरीन पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चलिए अरुणाचल प्रदेश की बात, पेमा खांडू कौन है, चीफ मिनिस्टर हैं, और
ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ये गवर्नर हैं, ईटानगर ईटानगर कैपिटल है, बस इतना ही याद रखिए। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हाल ही में वित्त मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने छोटे करदाताओं को कर का भुगतान आसानी से करने के लिए कौन सी योजना की पेशकश की है, तो यह एमनेस्टी योजना। छोटे करदाता यानी स्मॉल लेवल के जो टैक्स पेयर हैं उन टैक्स पेयर लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एक योजना निकाली है कि वो अपना टैक्स आराम से दे सकें, इसके लिए एमनेस्टी योजना शुरू हुई है। एमनेस्टी तो ये क्या है एमनेस्टी योजना, कि जो अभी तक उन पर टैक्स बाकी है वो सिर्फ टैक्स जमा कर दें, इन पर जो किसी तरह का कोई भी एडिशनल जो चार्ज है, एडिशनल टैक्स है यानी एडिशनल जो ड्यूज़ हैं वो नहीं लगाए जाएंगे, सिर्फ उनसे टैक्स का ही अमाउंट लिया जाएगा, तो कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है, एडिशनल फ़ी कोई नहीं ली जाएगी। वित्त मंत्रालय ने इसीलिए वो आराम से टैक्स जमा कर सकें, जो भी छूटें उनको दी गई हैं उन छूटों के साथ टैक्स वो अपना जमा कर दें, इसके लिए एमनेस्टी योजना शुरू हुई है। कौन है हमारी वित्त मंत्री, कौन है, निर्मला सीतारमण, बताइएगा कमेंट बॉक्स में मुझे। क्वेश्चन है जी, हाल ही में अभी किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस प्राप्त कर लिया है, हाल ही में किस इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस, क्या नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस अचीव कर लिया है, तो जी हाँ बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, क्या आंसर है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 2020-21 का जो वित्त वर्ष था इसमें इसने 22 लाख यूनिट्स की बचत की थी, इसी के साथ साथ नेट एनर्जी न्यूट्रल स्टेटस गेन कर लिया है अभी बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स ने कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोज करने की यानी कार्बन प्रौद्योगिकियों को लागू करने के लिए कितने अरब डॉलर जुटाने की योजना बनाई है, हाल ही में अभी यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स ने क्या यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स ने कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को लागू करने के लिए कितने धनराशि जुटाने की योजना बनाई है, तो 1 अरब डॉलर। तो देखिए ये जो कार्बन प्रौद्योगिकियां हैं ठीक है, इनके लिए यूरोपीय यूनियन और बिल गेट्स दोनों मनी जुटा रहे हैं, फंड कलेक्शन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, धनराशि जुटा रहे हैं, कितनी, 1 अरब डॉलर की, आंसर क्या है, 1 अरब डॉलर कार्बन टेक्नोलॉजीज़ को इम्पोज करने के लिए, ठीक है जी। और देखिए ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले भी बताया था, ये अब हो गया है क्योंकि ये फाइनल हो गया है, तो इसलिए अब मैं इसको दोबारा बता रही हूँ आपको, ये बता चुकी हूँ, उसको जहन में रखिएगा। हाल ही में किसने इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की है, जब मैंने क्या बताया था कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी कौन करेगा, और अब मैं क्या कह रही हूँ, हाल ही में अभी किसने अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की है, जब कौन करेगा, अब की है, कर चुका है क्योंकि, तो अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला इसकी मेज़बानी की है यानी अब कर ली है IIT मद्रास ने, तब ये तय हुआ था, अब ये फाइनल हो गया, पहले डिसाइड हुआ था फाइनल हो गया, IIT मद्रास चेन्नई पूरा यानी अभी का नाम है मद्रास, पहले नाम होता था। और आपको बताऊँ मैरीना बीच मेरा देखा हुआ यानी घूमी हुई हूँ मैं, तो मैरीना बीच इंडिया का लार्जेस्ट आइलैंड है यानी हाँ बीच है कह सकते हैं, बीच है सबसे बड़ा, ठीक है, मैरीना बीच भारत का सबसे बड़ा, चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल भी है, अभी बताया तो थर्ड नंबर पे आया है तमिलनाडु इसको यानी स्कूल एजुकेशन परफॉर्मिंग ग्रेड इंडेक्स में थर्ड पे था, बताया था ना, तो ये याद रख लीजिएगा बिल्कुल, ठीक।
तो आईआईटी मद्रास ने अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की मेज़बानी की है। और एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी एचएसबीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये हैं हितेंद्र दबे बने हैं हांगकांग शंघाई बैंक कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष। ठीक है, अच्छा ये बताइए, हमारी जो डेनमार्क में भारत की जो राजदूत है, आपको डेनमार्क का क्वेश्चन बताया था, वो कौन है? तो भारत की जो डेनमार्क में राजदूत हैं तो पूजा कपूर। कौन है? पूजा कपूर। कपूर है कि कुमारी हैं? कपूर ही हैं। ठीक है, एक मिनट सुन लीजिए, हितेंद्र दबे जिनके बारे में बताया आपको एचएसबीसी हांगकांग शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन के, ये क्या बने हैं? अध्यक्ष बोल दिया, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं। कौन बने? सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अध्यक्ष ज़्यादा याद रहता है तो एकदम से अध्यक्ष बोल दिया था। अच्छा, ये जो बताया आपको अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला की पहली ये मेज़बानी किसने की? आईआईटी मद्रास ने। तो ये एशिया की पहली है, याद रखिएगा, एशियन फर्स्ट, याद रखना है, फर्स्ट ऑफ एशिया है। क्या है फर्स्ट ऑफ एशिया? अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला, यानी एशिया की पहली अंतर्राष्ट्रीय स्मृति अध्ययन कार्यशाला, इसकी मेज़बानी करी है आईआईटी मद्रास ने। तो ये भी बता दूं, अगर पूछ लिया जाए तो किसकी? एशिया की पहली है और मेज़बानी आईआईटी मद्रास ने की है। ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है जी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत ध्यान से सुनिए, और लास्ट क्वेश्चन में इसमें रखा है, मैंने लास्ट में ले रही हूँ। हाल ही में अभी किस वैक्सीन को बनाने के लिए, किस वैक्सीन के प्राप्त करने के लिए, किस वैक्सीन के बनाने एवं प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने अभी 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान कर दिया है? तो या एक क्वेश्चन ऐसे भी ले सकती थी कि कौन सी नई वैक्सीन अभी तैयार हो रही है भारत सरकार ने, जिसके लिए अग्रिम भुगतान 1500 करोड़ रुपए का कर दिया है, कैसे भी क्वेश्चन ले सकते थे। ठीक है, तो अब याद रखना, तो क्वेश्चन कैसे भी ले सकते हैं। देखिए, एक आपको पता होगी वैक्सीन कोवैक्सीन और एक है कोविशील्ड, ये दो पता है। अभी आपको बताया था सीरम इंस्टीट्यूट में स्पुतनिक बी, सीरम इंस्टीट्यूट को बनाने का लाइसेंस मिला है स्पुतनिक बी बनाने का। अब सीरम इंस्टीट्यूट जो स्पुतनिक बी या दूसरी जो वैक्सीन बना रहा है, तो इनकी खुराक, इनकी एक डोज पड़ती है 800 की, यानी 800 पर डोज पड़ती है, यानी पर खुराक 800 रुपये पर खुराक पड़ती है, 800 पर डोज, कौन सी? जो भी वैक्सीन बन रही है। ठीक है, अब इसकी जो ये जो नई वैक्सीन, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, हाल ही में भारत सरकार ने 1500 करोड़ रुपए का भुगतान किया है, ये किस नई वैक्सीन के लिए किया गया, इसका क्या नाम है, कैसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये एक नई वैक्सीन बना रहा है बायोलॉजिकल ए, कौन सी कंपनी बना रही है? बायोलॉजिकल ए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लंबी न्यूज़ है थोड़ी, लेकिन सुनिए, बायोलॉजिकल ए ये कंपनी है, ये बना रही है, और इसकी एक खुराक 400 रुपये की पड़ेगी केवल, और इस वैक्सीन का नाम है, इसका नाम है कोर्बीवैक्स। क्या नाम है? कोर्बीवैक्स। तो कोर्बीवैक्स जो है, ये कोर्बीवैक्स जो है, ये एक नई वैक्सीन बन रही है, भारत सरकार ने इसके लिए पहले ही 30 करोड़ खुराकें इसके लिए बुक कर दी हैं, और यानी 30 करोड़ डोज बुक्स हो चुकी हैं, जिसके लिए 1500 करोड़ का अग्रिम भुगतान यानी एडवांस दिया जा चुका है, एडवांस पेमेंट हो चुकी है 1500 करोड़ की। ये क्वेश्चन अब कैसे भी आ सकता है, इसका नाम पूछ लिया जाए, या भारत सरकार ने कितने करोड़ वैक्सीन की एडवांस, ये नई कितने करोड़ नई वैक्सीन की एडवांस बुकिंग कर दी है, या फिर किस वैक्सीन के लिए अग्रिम भुगतान किया है, तो कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है। मैंने कितने सारे फैक्ट बताए आपको, सीरम इंस्टीट्यूट जो बता रहा है, बना रहा है वैक्सीन, जो भी बन रही है उसकी 800 रुपये पर खुराक पड़ती है, नई वैक्सीन कोर्बीवैक्स है, इसको बायोलॉजिकल ए बना रहा है, और ये भी बताया मैंने आपको कि 30 करोड़ वैक्सीन बुक की जा चुकी हैं, जिसके लिए 1500 करोड़ रुपए का अग्रिम भुगतान भारत सरकार ने कर दिया है। यह आज का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन
है कि एक नई वैक्सीन डेवलप हो गई है। तो कैसा लगा आपको ये सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, अच्छे कमेंट्स करें, है ना, और नए लोग सब्सक्राइब करें, और किसी वीडियो को मिस मत कीजिए, ध्यान से देखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक्स फॉर वॉचिंग।